कर रहे हैं ना, मैं अभी टी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आ जाओ आपको चाय भी पिलाते हैं। बीजेपी रुझानों में आगे बढ़ते हुए और अब बीजेपी कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा रुझानों में जहां बीजेपी 45 पर बढ़त बनाए हुए है, ये नंबर तेजी से आगे बढ़े हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस बहुत ज्यादा घट गई है, कांग्रेस 38 पर पहुंच गई है। ये वाकई फिलहाल इस वक्त के लिए सरप्राइज है। अब बीजेपी 45 पर, कांग्रेस 38 पर और आम आदमी पार्टी वैसे ही लगातार शून्य पर बनी हुई है। 7 अदर्स इस वक्त हैं। भाई आज किसको कितने वोट मिल रहे हैं ईवीएम से ये तो पता नहीं, लेकिन हलवाइयों के पास वोट खूब जा रहे हैं नोट के रूप में, क्योंकि जलेब जैसे ही कांग्रेस आगे जा रही है वो खरीद रहे हैं और बीजेपी आगे जा रही है तो वो जलेब खरीद रहे हैं। जलेब खूब बिक रहे हैं। आम आदमी पार्टी 0 पर बनी हुई है, कांग्रेस पहले बढ़ी और फिर घट गई। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ में आने की खबरें थी, फिर अलग अलग चुनाव लड़े, कहीं आम आदमी पार्टी को जो हम शुरू से कह रहे थे वोट कटवा, कहीं वही तो नहीं हो गया है कांग्रेस के साथ खेला? कांग्रेस के साथ खेला हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जो हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं खास मेहमानों के साथ। मनोज यादव भाई को हमने टोक दिया था पिछली बार, मनोज भाई आप अपनी बात पूरी कीजिए। ईवीएम पर कोई आपको सवाल, कोई संशय? फिलहाल जो आंकड़े पलट रहे हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि आगे ये पलट सकते हैं या फिर आपके कार्यकर्ता भी निकल गए हैं जलेब खरीदने के लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना तो किसी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाती है। देखिए हम किसी में, हम हिमाचल में हारे तो भी हमने संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाया, कर्नाटक में हारे तो भी हमने संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाया, और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जो भी मंडेट मिला उसको स्वीकार किया। लेकिन ये देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनके प्रवक्ता किसी चैनल पर बधाई स्वीकार कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी 2 मिनट बाद में मैं देख रहा हूँ इस चैनल के ऊपर देख रहा हूँ किस तरह से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, अभी निर्वाचन आयोग पर ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे और फिर ठीकरा किसी पे फोड़ेंगे। देखिए डब्बे बदलने से, इंजन बदलने नहीं, उन्होंने ठीकरा नहीं फोड़ा, उन्होंने कहा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से वो सहूलियत के हिसाब से अपना जवाब देंगे कि ईवीएम के साथ खेला हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में खेला होता हुआ जरूर नजर आ रहा है बीजेपी 45 सीटों पर आगे, लेकिन इन सब के साथ ही अंबाला कैंट से पीछे चलने वाले अनिल विज ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। राजीव जी हां, सीएम पद का दावा ठोक दिया, लेकिन उन्होंने एक राइडर के साथ कहा है, आलाकमान चाहेगा, हरियाणा की जनता चाहेगी तो मैं सीएम बनूंगा। अब नायब सिंह सैनी जो लाडवा से आगे चल रहे हैं उनका क्या होगा, सुनते हैं पहले। ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन मनोज यादव भाई जलेब मंगवा लीजिए, आप क्या मंगवा रहे हैं, लड्डू या जलेब? बड़ी देर से खाते हुए तस्वीरें देख रहे हैं हम लोगों की, खूब जलेब चलता है, लड्डू भी चलता है, आप चिंता मत कीजिए, जो खाएंगे वो खिलाया जाएगा। लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सुशासन का जो हमारी नीति है और जिस तरह पारदर्शी तरीके से हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करते हैं, जिस तरह से कल्याणकारी योजना हम लोगों के बीच में ले जाते हैं और हमारा नेतृत्व किस तरह से नायब जी के नेतृत्व, यानी आप कह रहे हैं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है और जो 45 का नंबर बना हुआ है बीजेपी के आगे, ये आपकी कार्यकारी योजनाओं का नतीजा है। आलोक सर का रुक कर लेती हूँ, साथ ही साथ एके मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनका भी रुक करेंगे। लेकिन आलोक सर, ये जो कांग्रेस के नंबर घट गए हैं और आम आदमी पार्टी के सामने 0 है, कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटवा तो साबित नहीं हो गई? साथ जाती तो शायद फायदा हो जाता, लेकिन यहाँ तो नुकसान है। नहीं, INLD और BSP भी एक साथ गए तो वो भी एक वोट बैंक अपने पास ले गए, ASP और JJP साथ गए, तो क्या ये अंदर खाने वोट बटा तो नहीं? बिल्कुल, मेरा ऐसा ख्याल है, रचना जी जो बात उठाई है, आम आदमी पार्टी मुझे तो लगता है कि वहाँ जमानत जब्त का पूरा ही इंतजाम किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये कहने से कांग्रेस के साथ जो गठबंधन की बात थी,